इसी गर्मी के साथ हम चलेंगे मोरक्को, क्योंकि मोरक्को में हमारी टीम इत्तेहाद रमजान की मौजूद है और फखरे आलम हमें मोरक्को के किस शहर की गहमा गहमी दिखा रहे हैं, क्या क्या चीजें बता रहे हैं। चलते हैं डायरेक्ट फखर। अस्सलाम वालेकुम फखर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नूर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। आप पहले पाकिस्तान का जरा नारा लगाएं यहाँ से। मुझे पता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ तो मोरक्को में, लेकिन मेरा दिल जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के साथ ओवल में मौजूद। ओवल में मौजूद है। तो फिर हो जाए एक साथ पाकिस्तान। ये बात जी बगर। हम लोग मोरक्को में रबात में जो कि इनका दारुल हुकूमत है वहां पर मौजूद है। मोरक्को का झंडा आप हमारे पीछे देख रहे हैं। मैं बजरते खुद जो हूँ वो ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में हूँ, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया था कुछ दिन पहले, तो मैं उस टाइम जोन में हूँ। पाकिस्तानी बाशिंदा मोरक्को में है और इस वक्त हम एक बहुत ही खास इनकी हेरिटेज साइट पे जो है वो मौजूद है, और ये रॉयल गार्ड इनके यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रहते हैं, मुसलसल रहते हैं। शाइस्ता नूर, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, रबात जो इनका दारुल हुकूमत है, रबात जिसको कहते हैं दारुल हुकूमत, रबात की तकरीबन 12 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और ये एक पोर्ट सिटी होता था, लेकिन फिर सिल्ट आ गया इनके पोर्ट के अंदर, तो उसकी वजह से ऑपरेशंस इनके रुक गए पोर्ट के हवाले से। ये जो जगह है ये है हसन टावर। ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं एक टावर सा बहुत बड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये हसन टावर है। ये 12th सेंचुरी का एक आर्किटेक्चर का एक बहुत जबरदस्त मॉन्यूमेंट है। और इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि ये याकूब अल मंसूर ने शुरू किया था, और ये जो आपके पीछे मेरे जो इतने पिलर्स देख रहे हैं, इनकम्प्लीट पिलर्स देख रहे हैं, ये एक मस्जिद बनाने का जो था सिलसिला शुरू किया था याकूब अल मंसूर ने। अच्छा। मतलब वो उस वक्त के हुक्मरान थे, लेकिन उससे पहले कि ये मस्जिद कंप्लीट होती वो मर गए थे, तो उसके पिलर्स इसी तरह छोड़ दिए गए। और ये जो टावर बना था ये मस्जिद की मिनरेट होनी थी जो कि 80 मीटर होनी थी, लेकिन उस वक्त तक ये 40 मीटर ही थी और इसको इतनी छोड़ दिया गया। इट वॉज सपोज टू बी द बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड एट द टाइम, द टॉलेस्ट मिनरेट इन द वर्ल्ड एट द टाइम, जब इसको बनाया जा रहा था। ओहो, और कहा यह जाता था कि जब अजान देने के लिए इमाम जो है वो इमारत पे ऊपर जाएंगे तो वो घोड़े पे सफर करके जाएंगे, तो अंदर जो है उसके पूरा उन्होंने एक हिस्सा जो है वो बनाया हुआ इस तरह के घोड़ा सवारी कर सके। अगर आप इधर यहाँ रुके कैमरा के लिए और ये पिलर्स देखें और इसको जरा और से देखें कि अलाइनमेंट को, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। हर डायरेक्शन से ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्पेन में था और मैं मस्जिद कुर्दुबा में गया था, तो वहां पर भी पिलर्स में यही परफेक्शन अलाइनमेंट नजर आती है। अच्छा। मस्जिद नबवी की भी मस्जिद में आपको यही परफेक्ट अलाइनमेंट जो है वो नजर आता है। ये हमारे इस्लामिक आर्किटेक्चर का कमाल है। ये उस वक्त उस जमाने में ये 1125 की हम बात कर रहे हैं। हाँ। कि उस वक्त इतनी परफेक्शन के साथ जो थे, इतनी सिमेट्री के साथ हमारे जो मजदूर थे, जो इस्लामिक वर्कर्स थे, वो इतने प्रिसिशन के साथ काम करते थे। हाँ। बहरहाल रबात मोरक्को में ये दीवारें जो आपको नजर आ रही है इनकम्प्लीट है इस मस्जिद की। अगर ये मस्जिद उस वक्त बन जाती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होती। 86 मीटर स्क्वायर मीटर्स का ये जो है पूरा इसका एरिया होता है जिसमें आप नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन इसको इस तरह छोड़ दिया गया स्पेसिफिकली चूंकि जो सबके हुक्मरान थे वो मर गए और उसलिए ये इनकम्प्लीट रहा। और पीछे जो आपको मेरे नजर आ रहा है वो जो मजार है, ये मजार है किंग मोहम्मद V का मोरक्को के, और उनके दो बेटों का, कि दो बेटे जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और इसकी बड़ी तारीख है, इसको भी हम आपको अंदर लेकर जाएंगे कि ये कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, कितनी डिटेल है इस आर्किटेक्चर के अंदर। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर वक्त यहाँ पर एक कुरान पढ़ने वाला जो है वो बैठा रहता है, जो कुरान रिसाइट करता रहता है मुसलसल, किसी भी वक्त इसको जो है बंद किया जाता। इसके पीछे एक और मस्जिद है खूबसूरत सी, जो नई मस्जिद में नॉन मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है जाना अंदर, और इस मस्जिद के अंदर हम गए हैं, हमने कुछ रिकॉर्ड किया, हम आपको बाद में दिखाएंगे। अच्छा फखर, सबसे ज्यादा पाम ट्रीज और खजूर के दरख्त नजर आते हैं ओमान में, पाम ट्रीज और खजूर के दरख्त आपको इस वक्त? जी हाँ, आपको खजूर के दरख्त भी नजर आएंगे, लेकिन ऑफकोर्स जैतून के बहुत से दरख्त, जैतून भी, ऑलिव भी, ओके, बहुत मशहूर है यहाँ पर। अच्छा। एंड हम आपको उन चीजों के ऊपर भी बहुत डिटेल में मैं आपसे जो है आपको बाद में बताऊंगा। बट ये यहाँ पर चलने का, यहाँ पे फिरने का, यहाँ पे मैं जब देख रहा था ये सब कुछ, ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो आपको एहसास होता है कि इस्लाम और मुसलमान और हमारा आर्ट और हमारा हेरिटेज और हमारा कल्चर ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ इस तक के हम जो है वो जिस किस्म की बातें करते हैं, हम
कुछ लोग जो है एक्सट्रीम माइंडसेट की बातें करते हैं या हम अपनी तारीफ को जो है वो धुंधला करके पेश करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है, एक पीसफुल प्रोग्रेसिव रिलीजन है और वो मोरक्को जो है इसकी वो बेसिकली एक बहुत बड़ी गवाही देता है यहाँ पर। यहाँ पे इसको बाय द वे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाए, ये दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ये। अच्छा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके पीछे मदीना है, मदीना जो है रबात मदीना, ओल्ड सिटी, वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी के अंदर बाजार है, तंग तंग गलियां वहां पर जो है वो मौजूद है। एंड इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं कि कल मैं वहां पे चल रहा था तो वो बिल्कुल अपने अनारकली, इचरा या अपने जोड़िया बाजार की जो है वो अच्छा, बिल्कुल वैसा ही, ओके, बिल्कुल वैसी फील देता है। आपको बताओ वहां पर मोची की दुकानें भी है, बार्बर की दुकानें भी है, गोटा किनारी की दुकानें भी है, चूड़ियों की दुकानें भी है, खाने की दुकानें है। एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक आवर ओन। बहुत उसके साथ हमारी अटैचमेंट है, बहुत उसके साथ हम क्लोज फील करते हैं। फखर, ये जो मदीना आप मदीना सिटी बता रहे हैं ये वही है जिसमें ब्लू ब्लू वॉल्स है, ब्लू कलर ज्यादा डोमिनेट करता है? नहीं वो नहीं, नहीं, वो, नहीं। वो ब्लू नहीं। अच्छा वो रबात में नहीं है, ये येलो में, येलो में होगा वो, ये येलो में है, ये येलो में। और इस वक्त मस्जिद में नमाज का वक्त हुए जा रहा है, गर्मी है थोड़ी सी, हवा चलती है तो कुछ बेहतर हो जाता है माना यहाँ पर। मगर ये जल्दी से मुझे बता दीजिए स्कोर की क्या पोजीशन है, 306 लास्ट आपने बताया था मुझे और हम फॉलो जी, 318 for 4, 318 for 4 जी, दो ओवर रहते हैं अभी पाकिस्तान, दो ओवर रहते हैं, राइट जनाब। सो हे वी आर एंड ये मैं आपको जो मस्जिद है नई वाली इसके करीब भी लेकर जाता हूँ, इसके इधर अगर आप इसके दरवाजों पे और उसकी आर्किटेक्चर पे गौर करें एक बार फिर तो आप बहुत इम्प्रेस होंगे। ये ब्रास के दरवाजे हैं। अच्छा, ब्रास के दरवाजे, वाह 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 वाह। और ये सारे हैंड कार्व्ड हैं, वाह वाह वाह, ये सब कुछ हैंड कार्व्ड है, ये हुनरमंदों का कमाल है, वाह। इस्लामिक आर्किटेक्चर का आप देखें स्टार्स, हमारे पास जो ये टिपिकल पैटर्न होता है इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इतिहाद रमजान का लोगों में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी किस्म की। उस दिन जब इश्तियाक साहब आए थे ना, जब आपको टेलीफोन कॉल पे लिया था फखर, हाँ फखर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये फखर यू वेरी राइट कि हमारे सेट में भी जो वो आर्चेस और वो ही है, बिल्कुल वही डिजाइन है, यू वेरी राइट, बिल्कुल सही। ये दरवाजे में ये देखें, हाँ ये आप देखें ना, एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर हम और ये बिल्कुल वही आप ये देख सकते हैं, आप अगर सेट को हमारे देखें तो इसमें ये ऑलमोस्ट यही चीज मिलती है। हाँ, और ये मुल्तान से तैयार हो क्या है, तालियां हो हमारे हुनरमंदों के लिए, बड़ी कमाल की बात बताई आप। और ये भी अगर आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रही है टाइल वर्क है जो मोरक्को का टाइम वर्क है, अगेन वही पैटर्न है जो हमारे इतिहाद रमजान के लोगों की है, जो हमारे सामिक जी बिल्कुल वही की है। अच्छा फखर, हम उस दिन बात कर रहे थे जब इश्तियाक साहब भी आए थे प्रोग्राम में, आपको टेलीफोन कॉल पे भी लिया था कि हम कभी भी हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए सोचते हैं, छुट्टियां हैं और आजकल जैसे लोग छुट्टियों के, हम हमेशा दूसरे मुल्कों के जाने का सोचते हैं, आप मोरक्को के लिए आप क्या इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं जब अपनी डेस्टिनेशन किसी भी छुट्टी के लिए सिलेक्ट करते हैं हम, तो आपको लगता है कि बच्चे यहाँ के बड़े हर फैमिली में हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ? बिल्कुल शाइस्ता नूर, बहुत अच्छी आपने बात की। आई थिंक ये पाकिस्तानी खास तौर पे जो है हमें चाहिए कि हम मोरक्को को अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, हम यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक तारीख और इतना हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन आपको नजर आएगा और आपको वो तमाम चीजें नजर आएंगी जो कि हमारे मुआशरे में जिनकी शायद कमी रह गई है, हालांकि हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी कमी रह गई है जिस चीज की, वो आप हम सीख सकते हैं इन इस्लामी मुआशरों से, हम सीख सकते हैं यहाँ की तारीख से, हम सीख सकते हैं। और जो हमने किया है ना अपने साथ ट्रेजेडी की है कि ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है मोरक्को के अंदर। हम अपने हेरिटेज साइट्स के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, हमने पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी हेरिटेज साइट्स हैं खासतौर पर लाहौर में जब नए मंसूबे बनाए जा रहे थे तो हमने अपनी हेरिटेज साइट्स को शायद उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी जिस तरह की देनी चाहिए थी। सही, बिल्कुल ठीक। बट यस, तमाम फैमिलीज को मैं अपनी तरफ से फखर आजम ये डेफिनेटली बोलूंगा, बल्कि शाइस्ता आपको, नूर आपको, कि आप अपनी फैमिलीज को लेके मोरक्को जरूर आए। रबात हो, मराकेश हो, तंजीज हो, हम कोशिश करें कि हम तंजीज भी जाएं जहां से तारिक बिन ज़ियाद ने अपना सफर शुरू किया था। अरे वाह। और वो गए थे जिब्राल्टर, जहां जिब्राल्टर पे स्पेन में उन्होंने अपनी जो कॉन्क्वेस्ट जिस थी वो शुरू की थी, तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम वहां जा सकें। बट इतनी हिस्ट्री है यहां पर कि इट इज रिमार्केबल कि मुझे नहीं लगता कि हम ये 4-5 दिन में उसको कवर कर सकेंगे, लेकिन हमारी इतिहाद रमजान ट्रांसमिशन की पूरी ये कोशिश है
कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा मोरक्को दिखा सकें, ज्यादा से ज्यादा शहर दिखा सकें यहाँ के, और ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आपको बता सकें। आज पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रही है और उस पर हम सबका फोकस है। गोया मैं मोरक्को में हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल भी जो है वो मैंने आपको जैसे बोला कि ओवल में मौजूद है और मेरा दिल भी धड़क रहा है। मैं भी बार बार स्कोर को जो हूँ फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन जितना कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो दिन का प्लान है हम आपको मदीना ओल्ड वॉल सिटी के अंदर भी लेकर जाएंगे अब से कुछ देर बाद और आपको दिखाएंगे जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे जूड़िया बाजार की तरह हमारे छिरा और अनारकली की तरह लगता है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शाम को हमने जो है वो मैंने आपको फिर ये जो मजार है किंग मोहम्मद फिफ्थ का उनके दोनों साहबजादे भी यहाँ पे उनके साथ दफन है इसको भी अंदर से दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर वर्क हुआ है और वो कुरान अंदर मुसलसल रिसाइट हो रहा होता है। और इसके अलावा हम एक मोरक्कन फैमिली के साथ आज जो है इफ्तार कर रहे हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है बल्कि यूँ समझ लीजिए कि कुछ मैंने अपने आप को जबरदस्ती उनके पास इन्वाइट करवा दिया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 325/4 और हफीज की भी हाफ सेंचुरी हो गई है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी और टीम को पाकिस्तान जिंदाबाद। हफीज की भी आप सेंचुरी हो गई है। मेरा मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ, मुझे मुसलसल लाइव अपडेट्स मिल रही है स्कोर की। बिल्कुल सही मैंने देखे आज आप हमारे एक वो चैंपियन जो फखर वहाँ खेल के गए खेल के मैदान में ओवल में उन्होंने सेंचुरी बना ली, एक आपने मोरक्को से हमारा लाइव व्यूपर करा लिया, क्या बात है। दोनों फखर के लिए, पाकिस्तान के फखर के लिए तालियां जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं इसको सिंपल कर दूं आपके लिए और भी सिंपल कर दूं नूर सर। सर वो यू है कि जनाब फखर फखर होता है वो जमान हो या अजय फखर आलम हो फखर होता है। वाजिबा वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। लवली टॉकिंग टू यू एंड सो गुड टू सी यू फखर आलम। मैं आखिर में ये बात सॉरी नूर शाहिद साहब एक बात ये कहता चलूं कि हार जीत खेल का हिस्सा है। पाकिस्तानी जो है अपनी टीम से उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छा खेलें, हार जीत ऑफकोर्स एक टीम। अरे फखर कोई मिली नखमा आपकी तरफ से हो जाए, हम साथ आपके गुनगुनाते हैं। आइए मैं जरूर ओमान पाकिस्तान साथ साथ पीछे मेरे मैं जरूर गाता मिली नगमा लेकिन मेरे पीछे मजार है, यहाँ पे मस्जिद है, लोग इबादत कर रहे हैं, रोजा रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरी तरफ से ये अच्छा नहीं होगा। आई थिंक इनकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत सही है। थैंक यू फखर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फखर आलम।